हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपडेट आ गया है और अपडेट के अंदर चार कैरेक्टर्स हैं, चार कैरेक्टर्स की यूनिफॉर्म है। जैसे एमपीटी शॉर्ट सेंट्री पीवीपी होगा, एंटामैन का मुझे पता नहीं पर वो भी अभी टीयर 3 है तो ज़्यादा यूजफुल होगा नहीं। थॉर पीवीई होगा और हल्का पता ही लग रहा है, शायद पीवीपी भी हो सकता है, पीवीई भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है। पर आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे कि पीवीपी यूनिफॉर्म्स हमें कौन से सेलेक्ट करनी चाहिए इस वाले 9 ईयर एनिवर्सरी पे, जिस ऑफकोर्स 50% का डिस्काउंट है उसके लिए। ठीक है, तो सेंट्री के लिए आप पक्का एक जगह बचा के रखेंगे, सेंट्री की यूनिफॉर्म हमको खरीदनी ही होगी, आई एम प्रीटी श्योर वो मेटा होगी ही हो। ठीक है, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म तो वो हो ही गई। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म फिक्स हो गई सेंट्री की, पीवीपी के लिए जो रेड वाली आ रही है यूनिफॉर्म, वो अपडेट के बाद 3 दिन 4 दिन में अपडेट आ जाएगा, सॉरी 1 दिन बाद ही अपडेट आ जाएगा। आप दोनों मुझे ये वीडियो में कब अपलोड करूँगा उस हिसाब पर डिपेंड करता है कि कब आएगा, हो सकता है कि मैं अपडेट वाले दिन ही इसे करूँ, 1 दिन बाद ही अपडेट है। ठीक है, रिकॉर्ड जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी होऊंगा। ठीक है, उसके अलावा हमें पीवीपी के लिए कौन कौन सी यूनिफॉर्म्स होना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम फ्री टू प्ले कैरेक्टर्स हैं, सॉरी फ्री टू प्ले प्लेयर्स हैं, इसलिए मैं सबसे लिमिटेड वो बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म्स, मैं कुछ भी ज़्यादा बड़ी नहीं बताने वाला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाली है, जो होने वाली वो है जीन ग्रे की, सबसे फर्स्ट पे आती है, चाहे पीवीपी हो चाहे पीवीई हो। अगर आपने इसका डीलक्स पैक खरीद लिया है और आपकी जीन ग्रे अनलॉक हो गई है तो पूरी तरीके से इसे अपग्रेड करें और ये यूनिफॉर्म अभी ले लें और कोशिश करें अगले 1 महीने के अंदर इसको अपग्रेड कर लें। अगर आपने इसको पहले अपग्रेड कर लिया है और ये टीयर 4 होने ही वाली है तो ये यूनिफॉर्म तो फिर आपको लेनी मस्ट है, ये पीवीपी और पीवीई दोनों के लिए बेस्ट है, सबसे पहली यूनिफॉर्म। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म जो बनती है वो बनती है सिल्वर सफर की। सिल्वर सफर अभी अभी आया है, पिछले अपडेट में। ठीक है, अभी कह सकते हैं ये मिडमैन अपडेट था तो पिछले अपडेट के अंदर ही आया है और ये बहुत पावरफुल करेक्टर है। ठीक है, जिसको मतलब ज़्यादा लोग मार नहीं पाते और अगर मार भी देते तो दोबारा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो वो है वो ये है, पर ये पीवीई में काम नहीं आएगी, सिर्फ पीवीपी के लिए। ठीक है, तीसरी एडम वारलॉक की बनेगी, बस ये ब्लास्ट करेक्टर है इसलिए इसको तीसरे नंबर पर रखा, वरना ये बहुत पावरफुल यूनिफॉर्म है। मैं इस यूनिफॉर्म को नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास एडम वारलॉक ही नहीं है, मैंने कभी उसको खरीदा ही नहीं क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ओवर प्राइस है। और जिस हिसाब से ये यूनिफॉर्म बनाई है ना, जो पिछले 1 साल से जो ये कर रही है यूनिफॉर्म, तो मैं काश मैं एडम वारलॉक ले लेता कभी, क्या ही करें। अब मैं एडम वारलॉक ले नहीं सकता क्योंकि अभी तक डिस्काउंट पे आते ही नहीं है। जब एडम वारलॉक की वो मूवी टाइप आने वाली थी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 3rd पार्ट, तब एडम वारलॉक 50% ऑफ में मिला था 3,300 का, अब तो मिलता ही नहीं है। तो यही है, 1st, 2nd, 3rd, पर क्योंकि मैं एडम वारलॉक नहीं लूंगा और आप में से भी कईयों के पास नहीं होगा क्योंकि आप भी मेरे तरफ फ्री टू प्ले हैं, तो 3rd आपकी यूनिफॉर्म बनती है, वो बनती है थानोस की। ठीक है, पर बहुत लोग इस चीज़ पर नहीं मानेंगे कि नहीं, हम थानोस की यूनिफॉर्म नहीं लेंगे क्योंकि थानोस को तो बहुत जल्दी यूनिफॉर्म मिलती है और दूसरा ये वापस रिवाइव नहीं होता, तो इसलिए बहुत लोगों के लिए ये यूनिफॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 1, 2 और 3rd आप थानोस की नहीं मानते हैं तो उससे बेस्ट है वुल्वरीन। पर वुल्वरीन की यूनिफॉर्म्स को मैं 3rd पे इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वुल्वरीन एंड डेडपूल मूवी आ रही है, इसलिए वुल्वरीन की इससे भी अच्छी यूनिफॉर्म आने वाली है। तो अब क्या किया जाए, वेल किसी को नहीं पता क्या किया जाए। तो 1st ये बनती है, 2nd ये बनती है, 3rd ये बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, 3rd ये बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, और 3rd ये भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। ठीक है, तो हम किसको रखेंगे, हम इन तीनों को ही 3rd पोजीशन पे ऊपर नीचे रखेंगे। जिसको लगता है यूनिफॉर्म आएगी वुल्वरीन और डेडपूल की, वो इसे ना खरीदे। मुझे भी लगता है आएगी इसलिए मैं भी इसे नहीं खरीदता, पर मैंने पहले से खरीदा की इसलिए मैं कुछ नहीं करता, पर ये बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं इसको खरीदूंगा इवन दो, मुझे पता है कि ये एक बार में मर जाता पर मेरी अदर वर्ल्ड बैटल में भी काम आएगा इसलिए मैं तो खरीदूंगा। तो मेरे लिए है 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, मेरे लिए कहीं भी स्टैंड नहीं करती क्योंकि मेरे पास ही करेक्टर ही नहीं है, पर आपके पास करेक्टर है तो आपकी 3rd यूनिफॉर्म यही होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 1st और 2nd ये होनी चाहिए, 3rd ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसके पास कौन सा करेक्टर अपग्रेड है, जिसके पास ये अपग्रेड है वो इससे 2nd मानेगा, जिसके पास ये अपग्रेड है वो इससे 2nd। ठीक है, जब आपके पास ये सारे करेक्टर्स हो जाते हैं, ये और ये 5ों हो जाते हैं और आप सोच लेते हो कि इनमें से आपने किस इन 3 यूनिफॉर्म को लेना है, 3-2 यूनिफॉर्म को लेना है, उसके बाद जो आपके पास 3rd यूनिफॉर्म या 5th यूनिफॉर्म या 6th यूनिफॉर्म बनती है वो बनती है इसकी। ये क्या है, ये एक सपोर्ट कैरेक्टर है, ये पीवीपी में बहुत अच्छा सपोर्ट है, पर इसकी भी एक प्रॉब्लम है, ये भी टीम से बाहर हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब टीयर 4 आ गए हैं, क्योंकि टीयर 4 आ गए इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास तीनों ही कैरेक्टर टीयर 4 और रिवाइव करने वाले हों, चीलिए लगा जाती है। सोचो ये और ये आपके पास हो तो ये 4th डालेगी, ये अगर 4th नहीं पाएगा तो रिफ्लेक्ट भी मार देगा और ये भी 4th डालेगा और तीनों रिवाइव होते हैं, तो है कि नहीं पावरफुल ये लोग। ठीक है, तो पीवीपी के लिए सिर्फ यही 3-4 लोग हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैं पीवीपी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ये इतने नेटिव टीयर 2 मेरे पास ही नहीं, तो अगर आपको काम चलाओ चलाना है तो आप स्पाइडरमैन से काम चलाओ चला सकते हैं। ये स्पाइडरमैन की न्यूएस्ट यूनिफॉर्म है, मेरे पास से जस्ट पहले वाली यूनिफॉर्म से इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि जस्ट पहले वाली इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी जस्ट पहले वाली तो उसकी जरूरत नहीं है, पर आपके पास एक भी स्पाइडरमैन की यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, थोड़ी बहुत पीवीपी में आपका काम चला देगा। उसके अलावा ये भी एक पीवीपी के लिए अच्छा करेक्टर है कार्नेज, पर क्योंकि एक प्रीमियम करेक्टर से कोई मतलब नहीं है। थानोस की न्यू यूनिफॉर्म आ रही है, उससे अलावा ये भी एक ठीक ठाक करेक्टर है, पर अब क्या ही बताएं, इसका भी दिन जा रहे हैं। और सेम ऐसा ही डूम के साथ भी है कि डूम भी एक बहुत अच्छा पीवीपी करेक्टर था पर इसके भी दिन जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पीवीपी के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मतलब इससे
सिंस ये भी एक नेगेटिव टीयर 2 है, सिर्फ इससे स्पाइडरमैन्स और हल्क से सिर्फ आप काम चला सकते हैं। स्पाइडरमैन हल्क और इसके साथ एक सपोर्ट मिला के आप टीम बना सकते हैं, पर स्टिल मैं यही कहूँगा उससे आप ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आप एक न्यूअर प्लेयर हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ब्रॉन्ज और सिल्वर लीग को शायद पार कर पाए, गोल्ड लीग में भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये और ये मेटा डिफाइनिंग है। अगर इनमें से कोई टीम के ब्लॉक हो रखा होता है तो ये और ये बन जाएंगे, ये दोनों ब्लॉक हो रखे तो ये और ये बन जाएंगे, ये भी ब्लॉक हो रखा है, ये भी ब्लॉक हो रखा है तो ये और ये बन जाएगा। अगर ये सब ब्लॉक हो रखे हैं, ये पांचों ही ब्लॉक हो रखे हैं, तब चांस आएगी इसकी 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 और इसकी और शायद उसके बाद इसकी। तो पीवीपी में आप देख सकते हैं यही है। मैं तो यही कहूँगा वुल्वरीन की तो आप ना खरीदें क्योंकि वो आने वाली है मूवी। तो अब आप बस 1, 2, 3, 4 और 5 में से मैं कहूँगा जो आपका अपग्रेडेड है उसको तो ले ही लें। आपकी ये TL3 होगी, TL4 होने वाली है इसको पक्का ले लें, ये TL4 होने वाला है या इसको ले लें और ये TL4 होने वाला है तो इसको ले लें। PvP में आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाओगे, वरना PvP तो आजकल मत ही पूछो। आपने इनकी यूनिफॉर्म्स भी ले लेना तब भी आपको इन्हें बिलियन CTP देना होगा। ध्यान रखें नॉर्मल CTP नहीं, बिलियन CTP अगर आपको गोल्ड लीग से आगे आना है तो। वाइब्रेनियम लीग्स और वो वाली डायमंड लीग होती है, कौन सी लीग होती है वाइब्रेनियम के अलावा? गोल्ड सिल्वर डायमंड लीग है क्या, पता नहीं कौन सी लीग है। अगर उसमें मतलब मैं खुद तक नहीं हूँ भाई, मैं आपको खुद के भी कोशिश बताता हूँ। लो मैं प्लेटिनम में ही हूँ, तो प्लेटिनम कौन सी लीग है? देखो प्लेटिनम का वाइब्रेनियम भी है, मैं वाइब्रेनियम तक नहीं हूँ। मैं टॉप 20 प्लेयर्स, पता नहीं कौन से टॉप 25% जो भी प्लेयर्स में उसमें भी नहीं हूँ। मैं भी प्लेटिनम के अंदर ही घूमता हूँ, जबकि मेरे पास कोई बेकार टीम नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी टीम ये है, कोई छोटी मोटी टीम मत मानना इसको, बहुत अच्छी पावरफुल टीम है। पर जस्ट बिकॉज मैंने इसका जो CTP है उसको ब्रिलियंट नहीं कर रखा है, ब्रिलियंट क्या माइटी नहीं कर रखा है, माइटी तो करनी पड़ेगा, इसका तो मेरा माइटी है और इसका भी मेरा माइटी है, ठीक है। पर मैंने उसका माइटी नहीं कर रखा, इस वाली उसमें माइटी में करूँगा। तो आप यूनिफॉर्म देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म्स आपको लेनी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने ही यूनिफॉर्म लेके आपको बता देता हूँ। एज यूजुअल अपडेट आ रहा है तो अपडेट के हिसाब से आप यूनिफॉर्म के थोड़े से क्रिस्टल्स बचा के रखें, ठीक है। मुझे जो जो यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, ये यूनिफॉर्म मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जस्ट पहले वाली यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास भी सपोर्ट की गई अपना जो कलों से सपोर्ट की जस्ट पहले वाली यूनिफॉर्म है तो आपको भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा, ठीक है। ये दोनों यूनिफॉर्म तुम पास पहले से ही है तो इनको रखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने खाली खरीद रखी है और इसको भी मैंने पहले ही खरीदा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं थानोस की लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि सेंट्री आने वाला है और सेंट्री अगर आने वाला है और वो PvP निकला और वो अगर उसके लिए निकला, PvP के लिए बहुत पावरफुल बंदा निकला और PvP के लिए ही निकला, PvE के लिए नहीं, PvP के लिए बहुत पावरफुल निकला, तो थानोस कहीं नहीं टिकने वाला है। तो इसलिए थानोस को मैं अभी ना लेके अपडेट के बाद लूँगा। तो अब बचता है सिर्फ एक ही बंदा और वो है सिल्वर सर्फल, जिसे हम अभी लेंगे, ठीक है। चढ़ा सिल्वर सर्फल रेडी। तो यही था आज की PvP वीडियो, सॉरी यूनिफॉर्म में आपको PvP किसको लेनी चाहिए, बहुत ही छोटी लिस्ट है। कल बनाएंगे PvP जो कि बहुत लंबी वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।